गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे जूल्स एक्सपेरिमेंट। जूल एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने एक सेटअप तैयार किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दो बल्ब लिए थे और दोनों बल्ब को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया था और इस ट्यूब के बीचों बीच इन्होंने क्या लगा दिया था? एक स्टॉप कॉर्क लगा दिया था। बल्ब ए में इन्होंने आइडियल गैस ली थी, जबकि बल्ब बी जो था वो क्या था? वेकेंट था। और इस पूरे सेटअप को उन्होंने एक वाटर थर्मोस्टील के अंदर रखा था। ये थर्मोस्टील है, इसके अंदर क्या भरा था? वाटर भरा था। और इसका इनिशियल टेम्परेचर लिया, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा के इसका इनिशियल टेम्परेचर लिया। उसके बाद जैसे ही इन्होंने यहाँ पे स्टॉप कॉर्क को ओपन किया, तो जो ए बल्ब की जो गैस थी वो बी बल्ब में फ्लो करने लगी। और कुछ टाइम बाद ए और बी की जो गैस थी वो क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो उन्होंने फाइनल टेम्परेचर लिया। यहाँ पे इन्होंने एक स्टील कनेक्टर लगा रखा था। स्टील कनेक्टर क्या करता था? इसको स्टीयर करता था, वाटर को बार बार वो हिलाता था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ रिजल्ट फाइंड आउट किए। रिजल्ट में क्या बोला कि ये जो चेंज था टेम्परेचर में, जो चेंज था वो क्या था? ज़ीरो था। टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। हीट में भी इनका जो चेंज था वो ज़ीरो था। अच्छा, टेम्परेचर में चेंज ज़ीरो क्यों था? देखो यहाँ पे क्या था, ये जो हमारा बल्ब है ये सिस्टम है और ये जो वाटर है ये सराउंडिंग है। तो क्योंकि ये क्या था? हमारा एक थर्मोस्टील था, आइसोथर्मल था, तो इसमें हीट का एक्सचेंज हो नहीं रहा था। इसलिए हीट हमारी क्या, जब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा था और तो ना टेम्परेचर में कोई चेंज आता, इसलिए डेल टी और डेल क्यू की वैल्यू भी क्या हमारी थी? ज़ीरो थी। ठीक है, अब डब्ल्यू की वैल्यू क्या था बेटा? डब्ल्यू में क्या था? डब्ल्यू की जो डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी डी वी। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर था, प्रेशर भी इन्होंने क्या रखा था? कॉन्स्टेंट रखा था प्रेशर यहाँ पे, क्योंकि बी जो बी बल्ब था वहाँ पे जो प्रेशर था वो वैकेंट था। तो जब वैकेंट था तो पी का जो प्रेशर होगा, बी का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जब वी का प्रेशर ज़ीरो होगा, बी बल्ब का प्रेशर ज़ीरो होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब जब पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो ये डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो क्यू इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डी ई अपॉन डब्ल्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो ज़ीरो है, क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो डी ई हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ये इनका रिजल्ट था। एक चीज़ का ध्यान रखना है, डी ई की वैल्यू ज़ीरो हो गई, डी टी की वैल्यू ज़ीरो हो गई, क्यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई, डब्ल्यू की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, लेकिन डी वी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है वो ए बल्ब से बी बल्ब में क्या हो रही? एक्सपैंड हो रही है। मतलब किसी आइडियल गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड कराया जाता है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो होता है। मतलब इंटरनल एनर्जी फंक्शन होगी किसका? टेम्परेचर का। अब पुट द वैल्यू ऑफ डी ई एंड डी टी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड बी इंटू इक्वेशन वन, वी गेट ये जो वैल्यू है किसकी? डी ई और डी टी की, इसको हम पुट करते हैं तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो इज इक्वल टू सी वी इंटू ज़ीरो प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। ओके, अब इस वैल्यू को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो अब डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो है। जो ई इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होगी? टेम्परेचर का, भी मैंने आपको बताया था। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस, जिसको हम यूजे से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजे हमारा क्या है? यूजे इज इक्वल टू होता है डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगी? आपकी इंटरनल एनर्जी। इसको हम बोलते हैं जूल कोफिशियंट। इंटरनल एनर्जी किसका किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अगर हम साइक्लिक
इंटीग्रेशन देखें तो डेल ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और अगर हम साइक्लिक डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब मान लो तीन वेरिएबल हैं हमारे पास जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक्स वाई और जेड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब हम इसका साइक्लिक डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होता है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो होगा नहीं यहाँ पे जेड है, इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट एक्स, इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। और इन सब का अभी मैंने बताया है जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी -1। ऐसे ही जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो जब टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है तो इसका भी अगर हम, जैसे हमने इसका डिफरेंशियल किया है वैसे अगर हम इसका डिफरेंशियल करें, ये तो एक एग्जांपल बताया कैसे डिफरेंशियल करते हैं, तो अगर हम इसका डिफरेंशियल किए इन तीनों वैल्यूज़ का तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल ई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू -1। ओके, ये जो वैल्यू होती है डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है हमारा सी वी जो हमने पिछले बार निकाला था, हीट कैपेसिटी। ये जो डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी है ये हमारा क्या है, जूल, क्या था ये हमारा सी वी हो गया ये वैल्यू, और ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, जूल कोफिशियंट जिसको हम बोलते हैं यू जे, और इसको हमने एज इट इज उतार लिया, डेल वी अपॉन डेल ई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू -1। अब इसका क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम अपोजिट कर दें, ये वैल्यू को क्या कर दें, नीचे कर दें, अपोजिट कर दें, जस्ट मतलब इसको ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें, तो क्या हो जाएगा, जस्ट इस पूरे के पूरे वैल्यू को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर जाना है इसको नीचे आना है, तो क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सी भी यहाँ ऊपर था अब सी भी यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ऐसे ही हमारा यू जे भी हमारा नीचे हो जाएगा इज इक्वल टू -1। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू -CV UJ, क्या हो सकता है -CV UJ। ये जो रिलेशन निकल के आया ये किसके लिए था, फॉर रियल गैस सॉलिड एंड लिक्विड। अब DE, ये जो DE है DE, ठीक है, इसी का यही तो है बेटा, ये जो डी ई है हमारा इसकी वैल्यू हमने निकाला था, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसका जब इस पूरे इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी ई, और कहाँ से ई वन से ई टू तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी बी। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, E2 - E1 इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी वी कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, ठीक। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई E2 - E1 को डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एज इट इज उतार लिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। ओके, बस अब इस वैल्यू को इसके नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी। आज हमने इस लेक्चर में तीन फॉर्मूले निकाले, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या निकाला हमने, -CV UJ, किसके लिए, रियल गैस के लिए। अब डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो किसके लिए निकाला हमने, आइडियल गैस के लिए। डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी हमने किसके किसके लिए निकाला, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जूल्स एक्सपेरिमेंट क्या था और उसके रिजल्ट क्या क्या थे। थैंक
थैंक यू।